आजा तुझको पुकारे मेरे मित्र, मेरे मित्र, ओ मेरे मित्वा। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुत्सा नहीं हजारों में। यूं तो दुनिया इन्हें आर के तुली के नाम से जानती थी, लेकिन जैसे ही फिल्मों में कदम रखा तो ये बन गए राजेंद्र कुमार तुली। और फिल्मों में जितना जबरदस्त इनका करियर रहा, उसने बना दिया इन्हें जुबली कुमार। ये दास्तान है 60-70 के दशक में नामचीन हीरोइनों के पीछे लहराते इठलाते बलखाते जबरदस्त एक्टर राजेंद्र कुमार की। जी हाँ, अदाकारी ऐसी कि नैनों के बाण चलाकर हीरोइन का दिल निकाल लिया करते थे। राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1929 में हुआ पंजाब के सियालकोट में, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इनके दादाजी एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे और पिता एक बिजनेसमैन, जिनका सारा कारोबार कराची और सिंध में फैला था। लेकिन बंटवारे की मार ने उन्हें पाकिस्तान में सब कुछ छोड़कर दिल्ली आने को मजबूर कर दिया। बताया जाता है कि राजेंद्र कुमार की फिल्मों में दिलचस्पी तो थी, लेकिन वो कभी हीरो नहीं बनना चाहते थे। एक दिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो चल दिए सपनों की नगरी। उन्होंने अपनी कलाई पर बांधी घड़ी 65 रुपए में बेच दी और सीधा बंबई की ट्रेन पकड़ी। वो कतई हीरो नहीं बनना चाहते थे, लेकिन फिल्मों में इंटरेस्ट पूरा था, लिहाजा ये पहुंचे सीधा HS रवेल के पास और बन गए उनके असिस्टेंट। और करीब 5 साल तक फिल्मों में असिस्टेंट के तौर पर काम करते रहे। एक दिन किस्मत का दरवाजा खुला और सीधा दिलीप कुमार और नरगिस जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिल गया। साल 1950 में आई इस फिल्म जोगन में उनका किरदार ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी उनके काम को काफी पसंद किया गया। इसके बाद फिल्म वचन बनाई गई तो उन्हें बड़ा किरदार दिया गया। इसके बाद तो जैसे उनकी किस्मत ही चमक उठी। वी शांताराम जैसे बड़े डायरेक्टर ने राजेंद्र कुमार को लेकर तूफान और दिया फिल्म बनाई, जो जबरदस्त हिट रही। फिल्म का गाना ये कहानी है दिए और तूफान की, बच्चे बच्चे की जुबान पर था। राजेंद्र कुमार का फिल्मी सफर तेजी के साथ चल पड़ा था कि तभी उनकी झोली में आ गिरी महबूब खान की मल्टी स्टारर फिल्म मदर इंडिया। फिल्म में राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त और नरगिस के शानदार दमदार अभिनय को खूब सराहना मिली। इस फिल्म से कुमार साहब को देश भर में एक पहचान मिल चुकी। इसके बाद तो इन्होंने कभी पलट कर देखा ही नहीं। मीना कुमारी और माला सिन्हा जैसी बड़ी अभिनेत्रियां उनके साथ काम करने को बेकरार थी। ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि 60 का दशक काफी हद तक कुमार साहब के नाम रहा। B.R. चोपड़ा की फिल्म धूल का फूल हो या दिल एक मंदिर में कुमार साहब ने खूब वाहवाही बटोरी। इन फिल्मों की जबरदस्त सफलता ने राजेंद्र कुमार की कामयाबी को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। इसके बाद आई फिल्में मेरे महबूब और संगम के गाने तो आज भी सुने जाते हैं। कुमार साहब और वैजयंती माला के ऊपर फिल्माया गया गाना ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर जो तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो, काफी चर्चित रहा। गाने के साथ फिल्म में भी दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनती थी। ये उन जबरदस्त अभिनेताओं में से थे जो एक रोमांटिक रोल भी करते थे और दूसरी तरफ ट्रेजेडिक रोल भी करते थे। कुमार साहब की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हमेशा अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी कहानी चुनते थे। हमने जफा ना सीखी, उनको वफा ना आई, पत्थर से दिल लगाया और दिल पर चोट खाई। रफी साहब की दर्द भरी आवाज और कुमार साहब की बेजोड़ एक्टिंग लोगों की आंखों में आंसू ला देते थे। फिल्म मेरे महबूब से जुड़ा एक किस्सा आज आपको बताते हैं। उस वक्त की मशहूर एक्ट्रेस साधना इस फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन तब ऋषिकेश मुखर्जी ने साधना को समझाया और बताया कि भाई राजेंद्र कुमार भी ये फिल्म साइन कर चुके हैं और वो किसी हल्की फुल्की कहानी पर तो कतई हाथ भी नहीं रखते। अगर उन्होंने ये फिल्म साइन की है तो जरूर कहानी दमदार होगी। बस फिर क्या था, ये बात सुनकर साधना ने फिल्म के लिए हाँ कर दी और वही हुआ जिसका अंदाजा लगाया जा सकता था। दोनों की जोड़ी काफी हिट रही। राजेंद्र कुमार जितने अच्छे और सुलझे हुए कलाकार थे, उतने ही यारों के यार भी। उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में राजेंद्र कुमार और राज कपूर साहब की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। ये बात आगे चलकर सच भी साबित हुई।
दरअसल कपूर साहब जब फिल्म संगम बना रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले दिलीप साहब को अपनी फिल्म में बतौर सहायक अभिनेता साइन करने का मन बनाया था, लेकिन ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। इसके बाद इस फिल्म का ऑफर लेकर कपूर साहब अपने दोस्त राजेंद्र कुमार के पास पहुंचे और वो मना ना कर सके। इस तरह फिल्म में संगम पर काम शुरू किया गया। अब आपको कुमार साहब की निजी जिंदगी के बारे में कुछ बताते हैं। कुमार साहब की शादी उस वक्त के बड़े फिल्म निर्माता ओपी रलहन की बहन शुक्ल के साथ हुई थी। वो अपनी जिंदगी में कितने ईमानदार थे उसके बारे में आपको उनकी शादी से जुड़ा एक किस्सा सुनाना पड़ेगा। तो भाई हुआ कुछ इस तरह, जब राजेंद्र साहब को पहली बार शुक्ल जी से मिलवाया गया तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और पहली मुलाकात में उन्होंने यहाँ तक बता दिया कि देखो मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, मैं तो एक पीजी में रहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ जीवन व्यतीत कर सकती हो तभी यहाँ करना। अब इस ईमानदारी भरे प्रस्ताव के लिए भला कोई कैसे मना कर सकती थी। शुक्ल जी ने भी फौरन हाँ कर दी और इस तरह दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद राजेंद्र साहब के 3 बच्चे हुए, 1 बेटा और 2 बेटियां। साल 1963 से लेकर साल 1966 के बीच कुमार साहब ने लगातार 6 हिट गोल्डन जुबली फिल्में दी थी। इसी के बाद उनका नाम जुबली कुमार पड़ा था। भाई इसे कहते हैं किस्मत। लंबे समय तक मेलोड्रामा, त्रासदी और आंसू बहा फिल्मों का दौर जारी था, जिनका संगीत ऊंचे पायदानों पर टिका था। बीच बीच में कुछ फिल्में फ्लॉप भी होती रही, वक्त बदलने जो लगा था। सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार के सिंहासन को जिस रोमांटिक आंधी ने हिलाया उनका नाम था राजेश खन्ना, जिन्होंने आगे चलकर कुमार साहब का बंगला भी खरीद लिया था। वक्त का कारवां आगे बढ़ता गया, कुमार साहब के बच्चे बड़े हो गए और वो खुद अब एक एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बन चुके थे। साल था 1981 जब कुमार साहब ने अपने बेटे मनोज तुली को फिल्म लव स्टोरी में लॉन्च कर दिया। मनोज का नाम बदलकर कुमार गौरव कर दिया गया। फिल्म हर पीढ़ी के लोगों को बेहद पसंद आई। इसके बाद 1986 में कुमार साहब ने फिल्म नाम बनाई, उसने भी सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म में कुमार गौरव और संजय दत्त पर फिल्माया गया गाना तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा आज भी युवा दिलों में बसता है और गुनगुनाया भी जाता है। इसके बाद कुमार गौरव ने सुनील दत्त साहब की बेटी से शादी की तो मदर इंडिया के रामू और बिरजू बन गए रियल लाइफ के समधी। जी हाँ, कुमार साहब को साल 1979 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। अपने उसूलों के पक्के और काम के प्रति ईमानदार राजेंद्र कुमार को उस वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने सलाम किया। बच्चों के साथ हंसते खेलते वक्त गुजरता गया कि अचानक कुमार साहब को कैंसर होने की खबर आई। इस खबर ने मानो उन्हें तोड़ कर रख दिया, वो अभी और जीना चाहते थे। बताया जाता है कि जब आखिरी दिनों में उनसे कोई मिलने आता था तो उसका हाथ पकड़ लेते थे, काफी भावुक हो जाते थे, बस एक ही बात कहते थे, मेरा सब कुछ ले लो, बस मुझे थोड़ी सी सेहत दे दो। मगर अफसोस ऐसा कुछ हो ना सका। 12 जुलाई साल 1999 की वो मनहूस तारीख थी जब कैंसर से पीड़ित जुबली कुमार हमेशा हमेशा के लिए हम सबको अलविदा कह गए। हिंदी सिनेमा के इतिहास में अभिनेता तो कई आए और गए, लेकिन जुबली कुमार एक ही थे और एक ही रहेंगे। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।